मैं तमाम पार्टिसिपेंट को बैच 50 में वेलकम कहता हूँ। और आज का जो हमारी क्लास है वो बैच 50 की फर्स्ट क्लास है। इसमें कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो आज भी एज अ डेमो ज्वाइन किए हुए हैं। कल की क्लास में हमने कुछ चीज़ें इंस्टॉल की थी, जिसमें आर और आर स्टूडियो था। और क्योंकि कल की डेमो जो क्लास थी वो तमाम पार्टिसिपेंट ने अटेंड नहीं की, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड थे जिसकी वजह से वो कल आर या आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं कर पाए। तो काइंडली जस्ट वो लोग चैट में टाइप करें जिनके पास आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है। जस्ट आप टाइप कर दें नॉट इंस्टॉल्ड, ताकि मैं चेक कर लूँ कितने लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है, फिर उस हिसाब से मैं टाइम मैनेज करके आप लोगों को वो इंस्टॉल करवा दूँ और फिर हम क्लास की तरफ चलें। काइंडली जिन लोगों के पास आर और आर स्टूडियो, वो लोग जो रजिस्टर्ड हैं और उनके पास आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है, तो वो नॉट इंस्टॉल टाइप करें। किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, इट्स मीन के आप सबके पास जो है वो आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो को ओपन करें। आर स्टूडियो को ओपन करने के लिए आपने सर्च बार में आना है यहाँ पे। ये देखें आपके पास यहाँ पे आर स्टूडियो शो हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास थोड़े से टाइम के बाद आर स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह आपके पास फोर विंडो शो होंगी। और आपने यहाँ से एक चीज़ कंफर्म करनी है कि आपके पास यहाँ पे आर 4.4.1 लिखा हुआ शो हो रहा है, ये आज आपने एक दफ़ा दोबारा कंफर्म करना है। यहाँ पे देखें आर 4.4.1, बल्कि इससे पहले आप मुझे ये कंफर्म कर लें कि आपके पास तीन स्क्रीन शो हो रही हैं या फोर शो हो रही हैं। मेरे पास ये फोर स्क्रीन शो हो रही है, मैं यहाँ पे फोर टाइप कर देता हूँ। आप लोग चेक कर लें आपके पास तीन स्क्रीन शो हो रही हैं या फोर, यानी कुछ लोगों के पास थ्री हैं और कुछ लोगों के पास फोर हैं। ओके, अगर आपके पास ये थ्री स्क्रीन शो हो रही हैं तो आपके पास ये इस तरह शो हो रहा होगा। आपने ये मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करना, ये वाला। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास फोर स्क्रीन शो हो जाएंगी। अगेन क्लिक करेंगे, ये जो बड़ा बटन है, ठीक है, दो बटन है यहाँ पे, एक छोटा है एक बड़ा है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज। इस पर क्लिक करेंगे आपके पास फोर स्क्रीन शो होगी, सॉरी थ्री। अगेन क्लिक करेंगे, अगेन फोर। सेम इसी तरह इस साइड पे भी दो बटन है स्क्रीन के साथ, क्लिक करेंगे फुल हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे तीन स्क्रीन है आपके पास। अगेन क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फोर स्क्रीन शो हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप आपने जो कंफर्म करना है वो ये कंफर्म करना है कि आपके पास यहाँ पे आर का जो वर्जन है वो 4.4.1 है। मेरे पास यहाँ पे ये 4.4.1 है, 4.4.1, तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 4.4.1, क्योंकि आर भी जो है ना वो क्योंकि ये डेली बेसिस पे अपडेट होता है, और अगर आप इसके पास कोई ओल्डर वर्जन हो तो बहुत सारे टूल इस पे वर्क नहीं करते, इसलिए आपको ये डेली की बेसिस के ऊपर अगर कोई अपडेट आई है तो आपने इसको अपडेट करना। कल तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा, अगर किसी के पास ओल्डर वर्जन है तो मुझे अभी बताएं, मैं आपको यहाँ से अपडेट करवा देता हूँ। ये तो बसम जमान साहब के पास 4.3.2 है। सर माइक ओपन कीजिएगा, तो बसम साहब काइंडली माइक ओपन जी कीजिए। मैडम है,
अच्छा मैडम, आपने कल जो है वो 4.4.1 इंस्टॉल किया था? नहीं, मेरे पास ये ऑलरेडी है, बस ये ऑलरेडी किया है, था। ठीक है, लेकिन आपको 4.4.1 इंस्टॉल करना है, ओके, करूंगी ठीक है? मैं। ओके, नेक्स्ट हैं अबू बकर साहब, इनके पास भी ठीक, 4.4.0 है। सर माइक ओपन कीजिएगा। जी जी सर, ये मैं ना पहले यूज कर रहा हूँ तो आप इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको जी अपडेट सर। नहीं किया हुआ, ठीक है? आप हाँ 4.4.1 को इंस्टॉल करें और उसको अपडेट कर लें, ओके सर, ओके? क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस जो है ना, जब आप रन करेंगे तो वो आपको एरर दे देंगे। ठीक है। ओके, अच्छा, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने जो चीज़ें सीखनी है, मैं यहाँ पे आपके सामने टाइप कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि आर होता क्या है, फिर आर स्टूडियो क्या है, फिर उसके बाद हम आर क्यों यूज़ कर रहे हैं जबकि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। और वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, ठीक है? ये चार क्वेश्चन हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेसिक क्लासेस हैं हमारी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ साथ साथ, के जो ट्रेनिंग है ये आपकी लाइव ट्रेनिंग है और आपने हर स्टेप मेरे साथ परफॉर्म करना है। मुझे ओके कि आपने रिपोर्ट देनी है तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। और कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जूम जो है वो लैपटॉप से लाजमी ज्वाइन करनी है। मोबाइल आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप लैपटॉप से भी ज्वाइन करते हैं, मोबाइल से भी ज्वाइन करते हैं तो ओके, लेकिन लैपटॉप से ज्वाइन करना लाजमी है। इसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास एरर्स आएंगे तो आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी, और अगर आप स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे तो आपके एरर रिजॉल्व नहीं होंगे, ओके? अच्छा, आर क्या है? सिंपल, आर एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह हम लैंग्वेजेज हैं, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, इसी तरह आर भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये इंसानों की जुबान नहीं है, इंसानों की लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की जुबान है। कंप्यूटर के साथ हमें इस जुबान में बात करना पड़ता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ टाइप करता हूँ। एट प्लस सिक्स, मैं इसको रन करता हूँ, इसने मुझे यहाँ पे देखें आंसर दे दिया है 14। अगर मैं यही वर्ड टाइप करता हूँ, एट प्लस सिक्स, और इसको रन करता हूँ, अब मुझे उसने एरर दे दिया। वो कह रहा है जी मेरी वोकेबलरी में एट के नाम से कोई वर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे एट को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाला एट। अब दोबारा रन करता हूँ, अब वो कह रहा है सिक्स के नाम से भी मेरे पास कोई वोकेबलरी नहीं है। मैं सिक्स को भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे ये वाला सिक्स लिख देता हूँ। ये देखिए, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, कोई बंदा चाइनीज़ में है, आपसे बात करे और आपको चाइनीज़ ना आती हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसी तरह जब मैंने ये राइट किया, 6 + 8 + 6, ये नंबर वाला, डिजिट वाला, तो आर को फौरन समझ आ गई कि इसका मतलब क्या है। और जब मैंने EIGHT 8 और SIX 6 टाइप किया तो इसको समझ नहीं आई, क्योंकि वो इसकी वोकेबलरी में है ही नहीं, इसके लैंग्वेज में वो है ही नहीं। तो आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम डाटा एनालिसिस के लिए या और जो प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब आर स्टूडियो क्या है?
आर स्टूडियो है आई डी ई, आई डी ई, आई डी ई कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब बहुत सारे लोगों को इस टर्म की नहीं समझ आई होगी, स्पेशली वो लोग जिनका ताल्लुक आईटी से नहीं है, कंप्यूटर से नहीं है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये क्या बला है, क्या चीज़ है ये? अब आईडी पता चल गया, इसकी डेफिनेशन पता चल गई, आर प्रोग्रामिंग की हमें डेफिनेशन पता चल गई। अब इनमें कंपैरिजन भी देख लेते हैं, आर और आर स्टूडियो में क्या फ़र्क है, ये आईडी है क्या, किस चीज़ को हम आईडी कह रहे हैं और प्रोग्रामिंग हम किसे कह रहे हैं। मैं आप में से एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा। यासिर खान साहब काइंडली माइक ओपन करेंगे, मोहम्मद यासिर खान साहब। जी, सर क्या हाल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे जी, हैं? शुक्र अल्लाह का सर। अच्छा सर, फ़र्ज़ करते हैं कि एक ही आपके पास गाड़ी है, जी, और ये इस पे चेयर लगी हुई है, और ये इसके अंदर इंजन ओके है, यानी हर चीज़ इस गाड़ी की ओके है, सिर्फ इसके ऊपर फ्रेम नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप जी इसको ड्राइव करें, इसको स्टार्ट करें, ये चलेगी, ड्राइव करके आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं कार ए। एक और गाड़ी है आपके पास, ये वाले, इसका नाम है कार बी, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा राइट। जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपको कहा जाए कि आपने अपने घर से, फर्ज करते हैं यहाँ पे आपका घर है और ये आपका ऑफिस है, ये होम है आपका और ये ऑफिस है, अगर आपसे कहा जाए कि दोनों में से आप कौन सी गाड़ी घर से ऑफिस तक लेके जाना पसंद करेंगे, और ये डिस्टेंस है तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, कार ए या कार बी? सर कार बी का डिस्टेंस, इसकी सेम है, लोकेशन डिस्टेंस सेम है, यहीं से आपने स्टार्ट करना है, ये ज़ाहिर है दोनों कार आपके बी, कार बी, क्यों? क्योंकि इसमें जो ये फैसिलिटीज हैं मुकम्मल या है, ये इसकी मुकम्मल है। जी अब कार ए में अगर आप ड्राइव करते हैं करेंगे ना, आपको वो कहते हैं ना बेतुकी मुसीबतें, उनका सामना करना पड़ेगा। मसलन एग्जैक्टली सबसे पहले आपको हवा से मुकाबला करना पड़ेगा, फिर डस्ट, फिर धूप, अगर रेन है तो रेन का भी सामना करना पड़ेगा, फिर शोर, ऐसा ही है ना। जी, और आपको अजीब सा भी लगेगा इस गाड़ी पे बैठते हुए, ठीक यस है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो गाड़ी बी है ना, इसमें तो इंजन, मैं नहीं इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, ये तो फ्रेम किया पड़ा हुआ है आपके घर में, फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं अब आपको ऑफकोर्स मजबूरन देन मजबूरन, और ऑप्शन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन जी नहीं है और सिवाय इस गाड़ी के ए और बी, फिर मजबूरन आपको गाड़ी बी पे, एग्जैक्ट सॉरी गाड़ी ए पे जाना पड़ेगा। अब ये जो गाड़ी ए है ना, ऑफकोर्स इसका ये जो इंजन है, फर्ज करें ये सारा इंजन ही है, इसके ऊपर इंजन के ऊपर एक हैंडल लगाया है और नीचे टायर लगे हुए हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंजन ही है।
अब इसे हम कहते हैं आर। अगर हम क्या करें, इस इंजन को यहाँ से उठा के इस गाड़ी में फिट कर दें, यानी गाड़ी ए को उठा के इसमें फिट कर दें, तो जी अब कैसा, अब तो ठीक है ना, होगी ना, दोनों गाड़ी आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली असल में ये जो हमारे पास फ्रेम है ना, अभी भी वर्क आप ए पे ही कर रहे हैं, गाड़ी आप ए ही चला रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा महफूज बना लिया, थोड़ा सा कंफर्टेबल बना लिया, आपने इसको फिट कर दिया इस फ्रेम में। ये जो फ्रेम है ना, ये है आर स्टूडियो। फ्रेम क्या है? आर स्टूडियो, आईडीई जिसे कहते हैं। आईडीई का मतलब होता है फ्रेम, जिस फ्रेम के अंदर रख के हम आर का इंजन चला रहे हैं। क्लियर है? जी क्लियर यानी जो इंजन है उसे कहते हैं आर। इंजन क्या है? आर है। अगर मैं आपको आर की शक्ल दिखाऊं और आर स्टूडियो की शक्ल दिखाऊं, तो आप आर को यूज़ करना कंफर्टेबल समझेंगे। ये देखें, ये आर है, ये देखें, एक ही स्क्रीन है इसके ऊपर, और कोई आपके पास ऑप्शन शो ही नहीं हो रहे, कहीं से कहाँ से आपने फाइल इंपोर्ट करनी है, कोई भी ऑप्शन नहीं शो हो रहा ना। इसका मतलब है ये यूज़ करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं जी। कि अपनी सहूलत के लिए इस इंजन को उठा के ना, ये जो आर का इंजन है, इसको उठा के आर स्टूडियो में फिट कर देते हैं। सही अब आपने जब आर स्टूडियो इंस्टॉल किया, तो जो आर का इंजन है ना, वो ऑटोमेटिकली, ये देखें, आपको स्क्रीन नंबर, ये वाली स्क्रीन जो है, स्क्रीन नंबर 2, यहाँ पे देखें, यहाँ पे शो हो रहा है आर 4.4.1। मिल गया ये? यस इसका मतलब है ये आर जो है 4.4.1, ये इंजन है, और ये बाकी जो आर स्टूडियो है ना, ये फ्रेम है। हमने इस इंजन को इस फ्रेम के अंदर फिट कर दिया हुआ है। होप कि अब आपको आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आर इंजन है और आर स्टूडियो फ्रेम है। अब हम इस फ्रेम में बैठ के चला हम इस इंजन को ही रहे हैं, चला हम इस आर को ही रहे हैं, जो मैंने अभी आपको आर दिखाया डेस्कटॉप पे ओपन करके, हम वर्क उस पर ही कर रहे हैं, लेकिन हम एक फ्रेम के अंदर बैठ के अब काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, और हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक आने का किसी पार्टिसिपेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन हो आर और आर स्टूडियो के हवाले से, या अभी ना ना समझ आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, आपको इट्स क्लियर है? ओके जी। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली, अगर आप लोगों को क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी सर, ये बात जो क्लियर है, इसका आईडी का पता चल गया। अच्छा ये मुझे ये बताइए कि ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो स्ट्रिंग लिख रहे हैं, इसमें पहले हैशटैग का क्या मतलब है, और सर वो सिंपल अगर आप उसमें उसकी तरफ हम आते हैं अभी अभी उसकी तरफ नहीं, जस्ट आपको ये जो अभी मैंने आर और आर स्टूडियो में जो चीज़ें समझाई है ना, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछें, वो उसकी तरफ मैं जी आ जी रहा हूँ अभी, वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, क्योंकि वो लैंग्वेज का हिस्सा है, तो हाँ जी वो क्लियर है आज। ओके ओके ठीक हो गया, यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट को ये क्लियर। अच्छा ये जो आर आर स्टूडियो है, ये आईडीई, इसके अलावा भी आईडीई हो सकते हैं, जिस तरह से ये आर का कंसोल है, ये किसी और आईडीई के अंदर भी इसी तरह से वर्क कर सकता है, जी वर्क कर या सकते हैं, उसके लिए आर स्टूडियो जो बेस्ट है आर के आर लिए वो आर स्टूडियो स्टूडियो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड में है आर के लिए, जो प्रिफर है और सूटेबल है, वो आर स्टूडियो है। आर स्टूडियो है। ठीक हाँ, आर स्टूडियो में आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको इसी तरह दिखाता फिर हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये अगर यहाँ पे आप क्लिक करें ना आर, ये देखें बटन आर और पाइथन, दोनों में से जो मूड आप ऑन करेंगे वो वही वर्क करेगा लैंग्वेज। जी ठीक है। ठीक है, यानी ये फ्रेम है, आप इसमें जिस तरह वो गाड़ी का एक फ्रेम है ना, आप किसी भी गाड़ी का इंजन उठा के उसमें रख लें, तो इसी तरह ये भी जो है वो फ्रेम है, इसमें आप दो इंजन रख सकते हैं, या आर का इंजन रख सकते हैं या पाइथन का इंजन रख सकते हैं इस फ्रेम के अंदर।
दो लैंग्वेजेस आप इस फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। ओके अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया आर और आर स्टूडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों में से हम कौन सा यूज़ करेंगे। ज़ाहरी तौर पे हम जो है वो कार बी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वर्क तो कार ए ही कर रही है ना, इंजन ही कर रहा है, तो ज़ाहरी तौर पे हम आर स्टूडियो को ही यूज़ करेंगे। लेकिन बेसिकली इसके बैकग्राउंड पे जो वर्क कर रही है, जो हमें आउटपुट देगी, वो आर ही देगा। इसलिए आपने आर को अपने पीसी से डिलीट नहीं करना, उसको अनइंस्टॉल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हम आर को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट में अगर आप देखें, गूगल पे सर्च करें, ऑनलाइन भी टूल्स अवेलेबल हैं डाटा साइंस के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, और ऑफलाइन भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कि इस वक्त टॉप ट्रेंड में, टॉप ट्रेंड में होने की रीज़न ये है कि आप इस पे मशीन लर्निंग के टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते, वो भी हम मशीन लर्निंग का भी हमारा एक स्टेप है जो हम इसमें परफॉर्म करेंगे। सेकंड, ये टोटली फ्री है, यानी आपको इसको डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको 1 रुपया भी फी पे नहीं करना पड़ती। जबकि ये दूसरे टूल्स हैं जैसे मिनी टैब है, SPSS है, एक्सेल स्टैट है, इनकी एनुअल फी होती है, और जब भी वो अपडेट होते हैं तो आपको टूल अपडेट करना पड़ता है और उसकी फी पे करना पड़ती है। और अगर आप उसकी फ़ी पे नहीं करते तो वो आपको ग्राफ के साथ उसका मोनोग्राम दे देता है, या कोई अल्टरनेट आपको जो है रिस्ट्रिक्शन दे देता है कि आप इतने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप SPSS का फ्री मोड यूज़ करें तो वो आई थिंक जस्ट आपको 50 ऑब्जर्वेशन तक अलो करता है कि आप 50 ऑब्जर्वेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है कि आप लोग इसके अल्टरनेट ना, आप कहते हैं हमने तो सर SPSS यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसका तो क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं। क्रैक वर्जन क्या होता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो इसकी कोडिंग में चेंजिंग करके जो इसकी की होती है अथेंटिकेशन की या रजिस्ट्रेशन की, वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपके पास जो है वो ऐसे ओपन हो जैसे वो रजिस्टर्ड SPSS मिनी टैब या एक्सेल स्टैट है। लेकिन बेसिकली वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो क्रैक वर्जन होता है, उसकी कोडिंग हैक करके उसमें जो है वो चेंजिंग की जाती है, मॉडिफिकेशन की जाती है। और अगर आप कभी गलती से एनालिसिस के बाद जब पेपर पब्लिश करते हैं आप, तो पेपर पब्लिश के दौरान आप लिख दें कि SPSS 2018 इसका जो वर्जन है और ये मैंने क्रैक वर्जन यूज़ किया था, तो आपका पेपर फौरन रिजेक्ट हो जाएगा। जस्ट उन्होंने क्रैक वर्ड आपका देखना है, पेपर आपका वापस, क्योंकि वो एक तो ये इलीगल एक्टिविटी है क्रैक वर्जन, और दूसरा जब आप क्रैक वर्जन से यूज़ करेंगे तो उसकी क्योंकि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी चेंज होगी, मे भी वहाँ पे गलती के चांस हैं डाटा एनालिसिस के दौरान भी, तो कोशिश करें कि क्रैक वर्जन को अवॉइड करें। उसके बाद जो मैं चीज़ प्रेफर करता हूँ आर के लिए, वो ये है कि ये मल्टीपर्पस है। मिनी टैब, SPSS, एक्सेल स्टैट, ये लिमिटेड टूल्स हैं, तमाम तरह के एनालिसिस आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। मसलन आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, आप में से कोई पार्टिसिपेंट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, काइंडली यस टाइप कीजिएगा। ओके, डॉक्टर इफ्रा शफकत। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल आप अपना थीसिस टाइप कर रहे हैं, पीआईडी का थीसिस लिख रहे हैं,
डाटा आपने कलेक्ट कर लिया। तो जब आप मॉलिक्यूलर एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले मैं भी आपको, अगर आपने जर्म प्लाज्म कलेक्शन की हुई है तो आपको उन एरियाज़ का मैप क्रिएट करना पड़े, स्टडी एरिया मैप बनाना पड़े। स्टडी एरिया मैप बनाने के लिए आप जीआईएस टूल यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपने बेसिक स्टैट लगानी है, आपने उस पर नोवा लगाना है, कोरिलेशन लगाना है, हीट मैप लगाना है, उसके लिए आपको SPSS, मिनीटैब या एक्सेल स्टैट या कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप मॉलिक्यूलर डाटा पे आएंगे उसके लिए भी आपको 3-4 टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि एक थीसिस राइटअप करने के लिए आपको 8 से 10 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे अगर आप डाटा एनालिसिस खुद करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी से करवाना चाह रहे हैं पेमेंट पे तो फिर कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब आप चाह रहे हैं कि मैं खुद करूं, खुद सीखूं, फिर आपको ये कम से कम 8 से 10 टूल सीखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने एक आर सीख लिया तो वो आपको 8-10 टूल सीखने नहीं पड़ेंगे। एक आर पे ही आप तमाम तरह के एनालिसिस बहुत इजीली परफॉर्म कर लेंगे। ओके, तो आर जो है ये मल्टीपर्पज़ है, इसके ऊपर आप मैप भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप जो है वो अनोवा भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप बेसिक स्टैटिस्टिक के तमाम टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, इस पर आप मॉडलिंग कर सकते हैं, तमाम तरह के मॉडल इस पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इकोलॉजी के हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हैं, किसी भी तरह की मॉडलिंग है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मॉलिक्यूलर के स्टूडेंट हैं, मॉलिक्यूलर के पार्टिसिपेंट हैं, तो आप मॉलिक्यूलर के जीनोमिक्स एनालिसिस, आरएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस, जीनोम वाइड एसोसिएशन मैपिंग के एनालिसिस, तमाम तरह के एनालिसिस आप इजीली जो है वो आर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। माइक आप लोगों के मैंने ओपन किए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है स्टेप के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दें, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके आता हूँ। ओके, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, सब लोग क्लियर टाइप कर रहे हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अगर आप अपने पीसी की तरफ देखें और आर स्टूडियो को ओपन करें, आपको 4 स्क्रीन शो हो रही। आर की जस्ट आपको 1 स्क्रीन शो हो रही थी, आर स्टूडियो पे आपको 4 स्क्रीन शो हो रही। मैं इनको ग्रुपिंग कर नंबरिंग कर देता हूँ। ये देखें, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। 1, 2, 3, 4। ये मैंने ना खुद से इसकी नंबरिंग की हुई है ताकि मुझे इस स्क्रीन का पूरा नाम जो है वो ना पुकारना पड़े। मैं अगर आपको कहूँ कि आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है तो मैं आपसे कहूँगा स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, या स्क्रीन नंबर 1 देखें, स्क्रीन नंबर 3 देखें, स्क्रीन नंबर 2 देखें, तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये वाली स्क्रीन जो है ये स्क्रीन नंबर 1 है, ये स्क्रीन नंबर 2 है, ये स्क्रीन नंबर 3 है, और ये वाली जो है ये स्क्रीन नंबर 4 है। स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4। अब इन स्क्रीन के ना कोई स्पेसिफिक नेम भी हैं, ये तो इनके नंबर्स हो गए ना, ये मैंने खुद से अपनी तरफ से दिए हैं। आप इसको 1 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे जिस तरह मैंने इनको इनकी नंबरिंग की हुई है तो क्लास में आप इजी रहेंगे। हम क्लास स्क्रीन नंबर 2 का मतलब आपके पास ये वाली स्क्रीन है, 3 का मतलब ये वाली स्क्रीन है, 4 का मतलब ये वाली स्क्रीन है। अब हम इनके स्पेसिफिक नेम की तरफ आते हैं। ये मैं क्लीन कर रहा हूँ सारा। स्क्रीन नंबर 1, अच्छा यहाँ पे मैं एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ, हैशटैग। ये देखिए, हैशटैग ना आर लैंग्वेज का एक वर्ड है, आर में इसका स्पेसिफिक मीनिंग है। आर में इसका मीनिंग है हेडिंग,
टाइटल, कमेंट्स, नोट्स। यानी अगर आप कोई हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, कोई कमेंट्स बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है, कोड राइट करना है, स्क्रिप्ट राइट करना है, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आर की लैंग्वेज में होंगे, तो उनको याद रखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टेप अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसकी हेडिंग बना लेंगे। मसलन मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ, फर्स्ट स्टेप है इम्पोर्ट फाइल, सेकंड स्टेप है कैलकुलेट मेन। तो ये मैंने दो स्टेप बनाया, ये मैंने हेडिंग दे दी, टाइटल दे दिया, कमेंट्स लिख दिया है, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला कोड मैंने इस पर्पस के लिए रन किया था। तो जहाँ पे भी आपको ये हैश टैग नज़र आए, ये कोडिंग नहीं है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये कमेंट्स है, नोट्स है, हेडिंग है, ये हमने अपने लिए लिखा हुआ है, आर के लिए लिखा नहीं, लिखा हुआ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है हमने। आर को इसकी समझ नहीं आएगी, आर इसको इग्नोर कर देगा, जिस वर्ड के साथ आप हैश टैग लिखेंगे आर उसको रीड नहीं करेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगेन हैश टैग स्क्रीन नंबर वन, हैश टैग स्क्रीन नंबर टू, थ्री एंड फोर, फोर स्क्रीन है आपके पास। अब स्क्रीन नंबर वन जो है इसका नाम है स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन नंबर वन स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन नंबर टू इसका नाम है कंसोल, स्क्रीन नंबर थ्री इसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट, और स्क्रीन नंबर फोर इसे हम कहते हैं पैकेजेस आर प्लॉट फाइल्स। प्लॉट्स फोर स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर वन का नाम है स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन नंबर टू का नाम है कंसोल, स्क्रीन नंबर थ्री का नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट, और स्क्रीन नंबर फोर का नाम है पैकेजेस आर प्लॉट। ये देखें इनके साथ मेंशन है, ये देखें यहाँ पे स्क्रीन नंबर टू पे कंसोल लिखा हुआ है, स्क्रीन नंबर थ्री पे देखें ग्लोबल एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, पैकेजेस लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लॉट भी लिखा हुआ है। तो फोर स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर वन टू थ्री फोर, वन का नाम है स्क्रिप्ट फाइल, सेकेंड का कंसोल, थर्ड का ग्लोबल एनवायरनमेंट, एंड फोर्थ का प्लॉट और पैकेजेस। अब आ जाते हैं इनके कुछ स्पेसिफिक काम भी हैं, जितने भी आपको स्क्रीन शो हो रही है ना, इनके नाम तो हमें समझ आ गई, लेकिन हर स्क्रीन का एक स्पेसिफिक टास्क है, हर स्क्रीन का एक स्पेसिफिक काम है। काइंडली कन्फर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है। यस सर, ओके, तो स्क्रीन नंबर वन जो है ना, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। इसका काम क्या है? स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रीन नंबर टू, इसका काम है जो हमने स्क्रिप्ट राइट किया होता है ना, उसका हमें आंसर प्रोवाइड करता है। आंसर प्रोवाइड करता है, वो सेंटेंस की टाइप में होता है या फिर वो पैराग्राफ की शक्ल में या टेबल की फॉर्म में। उसके बाद स्क्रीन नंबर थ्री है, ये आपका डाटा शो करता है, जो आपने डाटा इंपोर्ट किया होता है ये डाटा शो करता है, ठीक है, यानी आपका जो डाटा इंपोर्ट होता है वो स्क्रीन नंबर थ्री में शो होता है, आपके जो एनालिसिस होते हैं उनके जो रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं एक्सेल की फाइल में, वो आपको स्क्रीन नंबर थ्री में शो होंगे।
अब आपके जो रिजल्ट्स हैं ग्राफ की शक्ल में, प्लॉट की शक्ल में, वो आपको शो होंगे स्क्रीन नंबर 4 पे। मैं एक दफ़ा आपको इनकी वर्किंग दिखा देता हूँ, आपने भी मेरे साथ वर्क नहीं करना, आपने जस्ट इन 4 स्क्रीन की वर्किंग देखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, डाटा, ये देखिए स्क्रीन नंबर 1 पे मैंने कोड लिखा, इसका जो डाटा है मुझे शो हो रहा है स्क्रीन नंबर, देखिए स्क्रीन नंबर 3 पे ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये डाटा मेरे पास शो हो गया है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल है वो स्क्रीन नंबर 1 पे शो होगी, इसको आप क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे अनटाइटल्ड के नेम से एक फ़ाइल होगी। उसके बाद अगर आप इसके जो रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं टेबल की फॉर्म में या ग्राफ, तो आप यहाँ पे अगेन कोड रन करेंगे। अभी आपने ये कोड रन नहीं करना, जस्ट आपने इसको देखना है, इनकी वर्किंग अंडरस्टैंड करनी है। मैं यहाँ पे एसटीआर टाइप करता हूँ आयरस और इसको रन करता हूँ। अभी देखिए इसने मुझे टेबल की फॉर्म में इसके रिजल्ट्स दिए हैं स्क्रीन नंबर 2 में। अगर आप इसका प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्लॉट आयरस, ये देखिए जस्ट मैंने प्लॉट आयरस लिखा है, इसने मुझे इसका ग्राफ जो है वो स्क्रीन नंबर 4 में शो कर दिया। स्क्रीन नंबर 1 आपको स्पेस प्रोवाइड कर दे जहाँ पे आप कोड राइट कर दे, स्क्रीन नंबर टू एक्सक्यूज मी सर, आपको आंसर देती है जो आपने कोड राइट किया होता है उसका आंसर देती है कि आपने कोड रन कर लिया, इसका ये आंसर है। स्क्रीन नंबर 3 पे आपका डाटा होता है और स्क्रीन नंबर 4 पे आपका जो प्लॉट बनता है वो शो होता है। जी मैडम, सर ये आपने यहाँ पे जैसे प्लॉट की डायरेक्टरी दी या फिर एसटीआर स्टैंड्स फॉर जी स्ट्रक्चर, आपने ये सेकंड लाइन जो लिखी है इसमें लिखा है एस टी आर, एसटीआर आयरिस, जी एस जी स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ओके ओके ये भी आप डिटेल सर, में बाद में नंबर पढ़ेंगे थ्री इस पे, इसकी सर, आपने सिर्फ इसकी वर्किंग देखनी है। जी सर ये नंबर 3 बॉक्स में जो है आउटपुट होता है, क्या होता है इसमें? ये आपका डेटा शो होगा जिस पे आपने एनालिसिस कर रहे हैं। जब आप एनालिसिस ओके करेंगे ना, आपके पास डेटा एक्सेल की जी फाइल में, सीएसवी फाइल में, किसी फाइल में आपका डेटा होगा, जी उसको जी आप आर पे इंपोर्ट करके लाएंगे, फिर आप उस पे एनालिसिस करेंगे, ओके तो वो जो फाइल आपने इंपोर्ट करनी है वो स्क्रीन नंबर 3 में करनी है। क्लियर है? जी सर, ओके। किसी और पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन इस स्टेप पे? जी सर, ये जो डाटा आयरस आपने इंटर किया है इसमें, जी तो मैंने ये पूछना था, ये ऑलरेडी आपने ये सेट किया हुआ है ना डाटा, तो आपने इंपोर्ट कर दिया, ये फाइल ऑलरेडी डेवलप जी जी ये फाइल जो ठीक है ना है, आर के अंदर बहुत तो सारा डाटा पड़ा इसके हुआ है, मुताबिक हमें अपने आर के अंदर बहुत सारा डाटा सेट पड़ा हुआ है, ओके ठीक है, जिसको आप एज अ फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने अभी आपको ना स्क्रीन की वर्किंग दिखा रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हो गया, जी। जस्ट आपने स्क्रीन की वर्किंग पे फोकस चलें करना है। ठीक स्क्रीन की वर्किंग आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन नंबर 1 पे देखें मैंने कोड राइट किए, स्क्रीन नंबर 2 पे मुझे उसके रिजल्ट्स मिले टेबल की फॉर्म में, स्क्रीन नंबर 4 में मुझे उसके रिजल्ट मिले राइट ग्राफ की फॉर्म में, और स्क्रीन नंबर 3 पे मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है ओरिजिनल फॉर्म में। जी क्लियर जी है? ओके थैंक यू जी, ओके थैंक्स। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आईआरएस जो आपने लिखा हुआ है, ये इसका फाइल का नाम है या ये जो है इसमें सिस्टम में? ये सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है फाइल, ये एक्चुअली डाटा है ना, जब आप जो भी एनालिसिस हम कर, करें फाइल अपना इम्पोर्ट करें उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, फिर हम वही जो है ब्रेकेट में लिखेंगे। नहीं, आप अपनी फाइल का नाम यूज़ कर सकते हैं, आपकी फाइल का जो नाम है, मसलन आपके पास चलो डाटा है, हम उसको फाइल अभी इंपोर्ट करना सीखेंगे। ये जस्ट मैंने सही है आपको स्क्रीन की वर्किंग दिखाई है कि स्क्रीन नंबर 1 जी क्या सर, कैसे वर्क करती है, 2 कैसे वर्क करती है, 3 की वर्किंग क्या है, 4 की वर्किंग क्या है, ठीक है। अभी हम, मैं जब सही फाइल है, इंपोर्ट करेंगे तो मैं आपको साथ इंपोर्ट करवाऊंगा, 1 बाय 1 आपको फाइल चलो सेंड सही करूंगा, है, ये फाइल डाउनलोड करें, फिर इसको इंपोर्ट करें, वो सारा तरीकाकार हम समझेंगे। सही है सर, थैंक यू। ओके। यहाँ तक तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है।
अब हम आ जाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ, कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, वर्किंग डायरेक्टरी। ये देखिए मैंने इसके साथ हैशटैग लगा दिया, इसका मतलब ये हेडिंग बन गई है। और आपने नोट किया होगा कि जिस लाइन के साथ मैं हैशटैग लगा रहा हूँ उसका कलर जो है वो ग्रीन हो रहा है, बाकी ब्लैक कलर में है, और जिसके साथ मैंने हैशटैग लगाया है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी को मैंने छोटे से एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करना है। मोहम्मद यासिर खान साहब आप ओपन कर लें। जी मैंने ओपन कर ली। ओके सर आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है मेरी। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। पीएचडी? ओके सर फर्ज करते हैं कि आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं, और ये यासिर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इनके सामने जो है ना वो टेबल पे चेयर पे इनके सुपरवाइजर साहब बैठे हैं, SP फॉर सुपरवाइजर और Y फॉर यासिर साहब। यासिर साहब के सुपरवाइजर इनसे कहते हैं, आज चूंकि इनका फर्स्ट डे है इनको लैब्स का नहीं पता, यानी फर्स्ट डे आके ऑफिस में सुपरवाइजर साहब से इनकी मुलाकात हुई है, तो इनके सुपरवाइजर इनको कीज देते हैं कुछ। चाबियां देते हैं, ठीक है, कीज देते हैं, चाबियां देते हैं, और कहते हैं कि आप लैब नंबर, यानी एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी लैब्स होती हैं, इनके नंबर होते हैं लैब नंबर 1, 2, 3, 4। तो फ़र्ज़ करते हैं कि जो हमारे पास 4 विंडो शो हो रही है ना, 4 स्क्रीन शो हो रही है, 4 लैब हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप लैब नंबर 3 में जाएं, वहाँ पे एक केबन होगा, वहाँ पे एक अलमारी पड़ी हुई है, उस अलमारी को ये चाबी है, ये उसको देख लें, उसमें अपनी जो रिसर्च से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप संभाल सकते हैं अलमारी में, वो आपने ये सारी चीज़ें अपनी रिसर्च से रिलेटेड इस अलमारी में रखनी है, और इस अलमारी का के बाहर आपने टैग लगा देना है 50 बैच 50, B50 लगा दें, बैच 50 लगा दें। अब यासिर साहब क्या करते अच्छा हैं, लैब में जाते हैं, अलमारी ढूंढते हैं, अलमारी को खोलते हैं, देखते हैं, उसको साफ़ करते हैं, और अपने जो रिसर्च से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, जो कुछ भी है वो उसको इस अलमारी में संभालते हैं, और संभालने के बाद इसको एक टैग लगा देते हैं बैच 50, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जो अलमारी है ये यासिर साहब की है। दोबारा वापस आते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास। अब इनके सुपरवाइजर ना लैपटॉप ओपन करके बैठे होते हैं, और यासिर साहब से कहते हैं कि यासिर साहब आप ऐसा करें कि अपना लैपटॉप ओपन करें और लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करें, लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करें, और उसका नाम भी रख दें बैच 50, उसका नाम भी रख दें बैच 50। यासिर साहब डेस्कटॉप पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, और उसका नाम रख देते हैं रीनेम करके बैच 50। दो टास्क डन कर लिए। दोबारा अपने अच्छा सुपरवाइजर साहब से कहते हैं, सर मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कैसा करें कि आर स्टूडियो ओपन करें। आप आर स्टूडियो ओपन करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें, वर्किंग डायरेक्टरी WD, वर्किंग डायरेक्टरी, और इसका नाम भी रख दें बैच 50।
इसका नाम भी बैच ओके 50 रख दें। अब मेरे आपसे एक दो क्वेश्चंस होंगे। तीन चीज़ें हमने यूज़ की हैं, एक अलमारी, एक फोल्डर, एक वर्किंग डायरेक्टरी। अलमारी की भी हमें समझ आ रही है, फोल्डर की भी समझ आ रही है, वर्किंग डायरेक्टरी की समझ आ रही है आपको? वी कैन से डैट कि ये एक बिग फोल्डर है जिसमें हमारा सारा मटेरियल या इन्फॉर्मेशन उसमें है। हाँ बिल्कुल, आप करीब करीब पहुंच गए। अलमारी देखें, अलमारी भी तो एक फोल्डर ही है ना। अगर वो फिजिकली अवेलेबल है तो उसे हम अलमारी कहते हैं, केबन कहते हैं ना। अगर वही अलमारी, वही फोल्डर हम अपने पीसी में क्रिएट करते हैं, उसे हम फोल्डर कह देते हैं। दोनों का पर्पस तो सेम है, वहाँ पे भी हम अपने डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम हार्ड जी फॉर्म में सेव करते हैं। अपने पीसी में जब हम अलमारी क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं। ऐसे ही है ना, हम हार्ड फॉर्म में तो नहीं राइट इसमें सेव कर सकते फोल्डर में, और अलमारी में हम सॉफ्ट फॉर्म में जी नहीं सेव कर सकते। ये दो चीज़ों की तो हमें क्लियर समझ आ गई। अब थर्ड, वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी भी एक्चुअली एक फोल्डर ही है, एक अलमारी ही है, जिसको हमने आर में रहते हुए क्रिएट करना है। राइट एक मिनट में ये क्लीन कर लूँ। ओके, अब देखें, तीन चीज़ें आपके सुपरवाइज़र ने आपसे कही। पहले जो है वो केबन, फिर उसके बाद फोल्डर, और उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी WD। तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इनके डिफरेंट नेम हैं। अगर वो फिज़िकली है तो उसे हम अलमारी कह रहे हैं या केबन कह रहे हैं, और हम इसमें फिज़िकल चीज़ें जो है वो उसमें रखते हैं, सेव करते हैं। अगर वो शॉर्ट फॉर्म में है तो हम इसे फोल्डर कह रहे हैं। लेकिन अगर उसी फोल्डर को हमने आर में रहते हुए क्रिएट किया है, ये फोल्डर आप विंडो में रहते हुए क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर की या पीसी की विंडो में, ये आप जो है वो लैब में रहते हुए फिजिकली, ठीक है, अवेलेबल है। जबकि वर्किंग डायरेक्टरी आप क्रिएट करेंगे आर में रहते हुए। ये दोनों में फ़र्क है, फोल्डर और वर्किंग डायरेक्टरी में। हैं दोनों फोल्डर ही, जब आप क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। जिस तरह फोल्डर होता है ना, ये भी उसी तरह की है, सिर्फ इसको हम आर में क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम वर्किंग डायरेक्टरी है। फोल्डर को हम विंडो में क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम फोल्डर है। और जो फिजिकली जो हमारे पास अलमारी पड़ी हुई है, उसे हम केबन कहते हैं या अलमारी कहते हैं। तो तीनों चीज़ें हैं, तीनों का जो टास्क है, जो वर्क है, सेम है, कि चीज़ों को, डॉक्यूमेंट को सेव करना। सेकंड अब वर्किंग डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, अपने डाटा एनालिसिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप देखें, अलमारी का भी पता चल गया कि अगर आपसे कहा जाए कि अलमारी बनवाएं, बल्कि यासिर साहब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि लैब नंबर 3 में ना आप एक केबन बनवा लें अपना, तो केबन कौन आपको बना, कोई बना के देगा ना आपको कोई बंदा? राइट आप किसी मिस्त्री से कहेंगे, किसी वो फर्नीचर वाले से कहेंगे जी मुझे जी केबन बना दें यहाँ पे, और अगर वो आपसे कहेंगे फोल्डर बना दें, फिर वो तो आपको बनाना आता है, वो खुद वो तो सर फोल्डर विंडो में ही बनेगा ना अपने वो आप खुद बना सकते हैं ना पीसी पीसी में। जी ऑफ कोर्स हाँ, जी लेकिन अगर आपको मिस्त्री कहे कि मुझे जो है ना वो फोल्डर बना दें, मैंने इसमें कुछ तस्वीरें सेव करनी है, इसका मतलब है उसको जो है वो बनाना नहीं आता, इसलिए वो आपसे कह रहे हैं ना। राइट इसी तरह अब जब हम आते हैं आर पे, आर पे अब आपके सुपरवाइज़र कह रहे हैं फोल्डर बनाएं, अब आपको बनाना नहीं आता, आर पे कैसे फोल्डर बनाएं? ऐसे ही है ना, जी ये वही जी एग्जांपल हो गया जी ना। जिस तरह एक, अगर हम अनपढ़ जो है वो मिस्त्री को बोलें कि यार जो है ना मुझे फोल्डर बना दें पीसी में, तो वो कहेगा मुझे क्या पता फोल्डर क्या होता है, मुझे तो अलमारी बनानी है, तो मैं आपको बाहर बना देता हूँ, एक यहाँ पे नहीं मैं बना सकता, मुझे तो चलाना ही नहीं आता। तो सेम एग्जांपल यही है कि जब हमें कहा जाएगा कि आर के ऊपर वर्किंग डायरेक्टरी बनाएं, तो अब हम इसमें ज़ीरो हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि वर्किंग डायरेक्टरी के फोल्डर कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको ये जी जी स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कैंडली तमाम पार्टिसिपेंट, अब ये मेरे साथ जो है वो आप लोगों ने स्टेप परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 3 पे।
यहाँ पे आप देखें, आपको टॉप एक शो हो रहा है प्रोजेक्ट नाम शो हो रहा है सर, जी एक यहाँ पे इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा न्यू प्रोजेक्ट, शो हो रहा है। यस ओके, इस पे क्लिक फर्स्ट करें वन न्यू प्रोजेक्ट पे। अब चूंकि मैंने पहले इस पे वर्क किया हुआ है तो मुझे कह रहा है कि आप इस वर्क को सेव करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा ये रफ वर्क है, मैं इसको नहीं सेव करता। अगर आपका ये वर्क ओरिजिनल डाटे पे है तो फिर आप इसको सेव कर लें, मैं से कह रहा हूँ डोंट सेव। सर, फिर से रिपीट कर दें। ओके, एक दफ़ा मुझे ये कंप्लीट करने दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यस अब वो आपसे पूछ रहा है तीन चीज़ें, न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, वर्जन कंट्रोल। हमारे पास पहले से मौजूद कोई फोल्डर नहीं है आर का, इसलिए हम इस पे भी नहीं आएंगे। वर्जन कंट्रोल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो हमें इस साइड पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने आना है न्यू डायरेक्टरी पे। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करें। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपने यहाँ पे अगेन क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे डायरेक्टरी का नाम पूछ रहा है, यानी आप जो फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, उस फोल्डर का नाम पूछ रहा है कि आप फोल्डर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। हम इसका नाम रख देते हैं बैच 50, बैच 50। आप इसका नाम बैच 50 रख लें। फिर वो आपसे लोकेशन पूछ रहे हैं कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको ब्राउज कर लें, जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं इसको लोकेशन बता दें। डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पर कर लें, आप किसी ड्राइव में करना चाह रहे हैं इसको ड्राइव में सेव कर लें। लोकेशन बताने के बाद यहाँ पे आपके पास दो टिक शो हो रही हैं, आपने इनमें से किसी पे भी टिक नहीं करना। यूज़ आर एनवायरनमेंट विद दिस प्रोजेक्ट, इसको भी आपने नहीं क्लिक टिक करना, और इसको भी आपने टिक नहीं करना। आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आर का न्यू सेशन ओपन हो जाएगा विद थ्री स्क्रीन्स। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन टाइप कर दें, जिनके पास परफॉर्म हो चुका है, और जिनके पास नहीं हुआ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली आप लोग यूज़लेस इस फॉर्म प्रोसेस को दोबारा देख लीजिएगा। जिनके पास ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है वो डन टाइप कर दें, और इस प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग एक दफ़ा दोबारा इसको देख लीजिएगा। ओके, ये स्टेप मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आपने दोबारा यहाँ पे आना है, आपके पास शो हो रहा है, मेरे पास अब शो हो रहा है बैच 50। अगर आपने अभी तक ये स्टेप कंप्लीट नहीं किया तो आपके पास शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट नॉन, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट। क्लिक करने के बाद आपने आना है न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जो आपसे तीन ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, वर्जन कंट्रोल। आपने न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। जब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टरी नेम, यहाँ पे आप बैच 50 टाइप करें और इसको लोकेशन बताएं कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ तक आईडी तमाम पार्टिसिपेंट डन कर दें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या स्टेप परफॉर्म नहीं हुआ तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।
ओके सर ये वर्किंग डायरेक्टरी तो क्रिएट हो गई। अब आर स्टूडियो और आर को अगर हम क्लोज करें तो ये सेव हो रहेगी इसी तरह ये फोल्डर। जी, ये फोल्डर वहीं रहेगा, आप इसको आर स्टूडियो क्लोज करें, एक मिनट मैं आपको जी दिखाता हूँ, वेट कीजिएगा। जी अब आपके पास ये वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, अब आप आ गए हैं लोकेशन पे जहाँ पे आपने सेव की है, वहाँ पे आए। अब देखें वहाँ पे भी सेम फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ये देखें मेरे पास बैच फोटो, ये फोल्डर नज़र आ रहा है आपको, यस यस ये एग्जैक्टली फोल्डर ही एग्जैक्ट है, लेकिन हमने इसको आर में रहते हुए क्रिएट किया है, तो उसके साथ आर की फाइल भी क्रिएट हो गई है। ये देखें Batch 50, ठीक है। अब अगर आप इस फाइल पे एग्जैक्टली क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आर स्टूडियो पे आपको ले जाएगा। वही डायरेक्टली ओपन ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ओके थैंक यू। देखिए। एक्सक्यूज मी सर, जी सर, सर यहाँ पर मैंने वो स्क्रिप्ट लिखा था तो वो जो मैंने न्यू क्रिएट किया तो वो मेरा पुराना वाला स्क्रिप्ट चला गया है, तो वो मैं दोबारा से देख सकता हूँ? पहले आप डायरेक्टरी में काम कर रहे थे, मतलब वो पहले मैं आपके साथ ही लिख रहा था ना, ये है स्टेक्स और सारा कुछ, उसमें नहीं मैंने नहीं सारे नहीं उसमें आपने सेव पे क्लिक किया था? नहीं सेव नहीं, या बेच पे क्रिएट किया है। नहीं, फिर नहीं सेव हुआ होगा वो, क्योंकि जब आप ओके सर सर क्रिएट करते हैं ना, वो आपसे पहले पूछता है। अब देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ, तो ये पूछेगा पहले कि आप इस पे, एक मिनट मैं इसको कैंसिल करता हूँ, थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे तो वो आपसे फिर पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये मुझसे पूछ रहा है कि सेव वर्क स्पेस इमेज, सेव डोंट सेव। अगर आपका वर्क इम्पोर्टेंट होगा तो आप इसको सेव कर लें, और अगर जस्ट आप रफ वर्क कर रहे हैं तो फिर आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं। जब आप सेव करेंगे तो फिर आपके पास वो डाटा महफूज हो जाएगा, फिर आपको वो शो हो सकता है। क्लियर है सर? यस सर, ओके, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम जो हैं वो फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे, और कुछ बेसिक कोड को रीडिंग एंड राइटिंग सीखेंगे। सर भी मेरा सर क्वेश्चन है, जावेद बात कर रहा हूँ। जी सर, मैंने वो फोल्डर वो सर क्रिएट किया लेकिन मेरे फोल्डर के अंदर कोई फाइल शो नहीं हो रही है उस फोल्डर के अंदर। आपने वर्किंग डायरेक्टरी से रहते हुए क्रिएट किया, आप वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर नहीं देख रहे ना, आप जस्ट आपने जो पीसी में फोल्डर क्रिएट किया है वो देख रहे होंगे। जो मैंने पीसी के अंदर फोल्डर दे दिया नहीं, उसमें नहीं उसमें आया, जो आपने वर्किंग डायरेक्टरी में क्रिएट किया है, आर में रहते हुए क्रिएट किया है ना वर्किंग डायरेक्टरी, जी वो ओपन करें। वो कहाँ पे सेव किया था आपने? नहीं, मैंने आर के अंदर जो किया, मतलब आर के स्क्रीन के ऊपर तो शो हो रहे हैं लेकिन जो पीसी के फोल्डर में नहीं शो हो रहा। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर का बटन मुझे सर स्क्रीन शेयर का इसमें बटन नजर नहीं आ रहा, मैंने कभी सर इतना ये दिए नहीं। ग्रीन कलर का बटन होगा, एरो का साइन होगा, और हाँ नीचे लिखा होगा ठीक शेयर। ठीक है जी। शेयर शेयर इसके ऊपर पहला ऑप्शन आएगा इंटायर स्क्रीन। ठीक है, वो आपको बता रहा है कि आपने क्लास 1, ये माई डाटा, ये देखें एड्रेस स्क्रीन नंबर 4 पे हैं। वो जी आपको बताया, हाँ वो आपको बता जी रहा है, डी फोल्डर में, जी डी फोल्डर में जाएं, वहाँ पे माई डाटा के नाम से फाइल होगी, वहाँ पे जी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद प्राइस कंट्रोल ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, उसके अंदर आपने ये फाइल सेव की हुई है। ओके डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपने ये एड्रेस बता रहा है ना, इस एड्रेस की जी लोकेशन पे आप जाएं, वहाँ पे यह फोल्डर मिलेगा आपको। ठीक है, ओके ओके गॉट इट गॉट इट थैंक यू सर। ओके सर, ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का।
कल इंशाल्लाह हम जो है फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे और कुछ बेसिक जो है वो कोडिंग सीखेंगे जिसमें रीडिंग और राइटिंग होगी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है जी ये मैडम। मुझे। हाँ मैं सर मैंने ये कर लिया जो वर्किंग डायरेक्टरी तक सेव करके बन गया फोल्डर। अब आप ये वापस कैसे इसी 4 विंडोज पे आए थे ये बता दें। अच्छा वो अच्छा थ्री हो गई थी ना, फिर वापस आप कैसे आए थे 4। ये देखें, अभी 3 विंडोज़ हैं जी यहाँ पे, ये बटन शो हो रहा है मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का, ये ब्रश बटन के साथ, अच्छा इस पर आप क्लिक अच्छा करें तो 4 विंडोज़ हो जाएंगी, ये देखें। ओके 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 थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।